उसके बाद यहाँ पे जो तीर का आइकन निशाना है यहाँ पे क्लिक करना। तो वीडियो देखो, ये थोड़ा सा कर देना वीडियो, आपका वीडियो। तो हेलो गाइस, तो मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करना, शॉर्ट्स वीडियो ब्लू कलर कैसे करना, मैं ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाता है और कैसे एडिटिंग करता है, मैं आपको आज सब दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऐप्स है लाइट मिशन, ठीक है, तो ये जो लाइट मिशन है यहाँ डाउनलोड करना सबसे पहले, ठीक है। मेरा तो डाउनलोड है ऑलरेडी, तो प्ले स्टोर पे सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना, उसके बाद यहाँ पे लिख देना लाइट मिशन, ठीक है। तो मेरा डाटा ऑफ था इसलिए नहीं आया। तो ये जो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो उसके बाद सबसे पहले ये लाइट मिशन को ओपन करना। यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है, ठीक है, प्लस वाला आइकॉन यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जो शॉर्ट्स है, ठीक है, 9.16 पर रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद क्रिएट, फिर से यहाँ पे क्लिक करना। आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मीडिया वाला ऑप्शन है, ठीक है, मीडिया मीडिया एक वीडियो ले सकती हूँ मैं, ये वीडियो ले सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसे एडिटिंग करना, तो वीडियो पर क्लिक करना सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने वीडियो पर क्लिक कर रखा। उसके बाद यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो ऐड इफ़ेक्ट, ठीक है, ऐड इफ़ेक्ट यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आधार है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो चैनल रैम, ठीक है, चैनल रैम RGB, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना। और यहाँ पे जो जी वाला लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बी को जी पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करना। उसके बाद फिर से इफ़ेक्ट पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड इफेक्ट है फिर से क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो कलर लाइट है, ठीक है, फिर से क्लिक करना यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पे जो एस्ट्रोशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना फिर से। यहाँ पे जो क्लिक करना, ये जो आपका वीडियो हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, आपका वीडियो हिसाब से रख सकते हो। तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं लगता है, मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करना। उसके बाद बैक करना। यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है यहाँ पे फिर से क्लिक करना। यहाँ पे जो वाइट दिखा रहा है यहाँ पे फिर से क्लिक करना। यहाँ पे जो कलर फिल यहाँ पे फिर से क्लिक करना। यहाँ पे जो पिंक वाला कलर है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। थोड़ा सा ये जूम कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो डिफरेंसर यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद ये क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करना। उसके बाद यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, इफ़ेक्ट पर फिर से क्लिक करना। यहाँ पे जो ऐड इफ़ेक्ट फिर से क्लिक करना। वहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन करना। इसके बाद यहाँ पे जो आधार है यहाँ पे क्लिक करना। ये जो कॉपी बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग्स क्लिक करना। यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो वाइट दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद ये कलरफुल यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद पिंक कलर यहाँ पे क्लिक करना। ये थोड़ा जूम कर लेना। उसके बाद ब्लेंडिंग है जो यहाँ पे ब्लेंडिंग, इसका पर क्लिक करना। यहाँ पे जो डिफेंसर है, ठीक है, डिफरेंसर यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद ये जो दिखा रहा है ये क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करना। उसके बाद यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद ऐड इफेक्ट फिर से क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो आधार है, ठीक है, फिर से क्लिक करना। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है यहाँ पे क्लिक करना।
उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो बैक करना होगा थोड़ा, यहाँ पे जो इफेक्ट है फिर से क्लिक करना, फिर से ऐड इफेक्ट यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लार ब्लार ठीक है, ब्लार यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो गाशियन ब्लार ठीक है, गाशियन ब्लार यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो आपका वीडियो हिसाब से रख सकते हो ठीक है, तो मैं मेरा ही वीडियो हिसाब से रख सकता हूँ ठीक है। उसके बाद थोड़ा बैक करना, उसके बाद फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद ऐड इफेक्ट फिर से क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो कलर लाइट है ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेस गामा बा यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्रेस गामा मा यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो आपका वीडियो हिसाब से रख सकते हो, ये आपका वीडियो हिसाब से रख सकते हो ठीक है। तो मेरा वीडियो हिसाब से मैं रख सकता हूँ ठीक है, तो मैंने वीडियो हिसाब से रख सकता हूँ। ये जो है वीडियो का हिसाब से रख सकते हो आप लोगों ने ठीक है। करना ब्लेंडिंग पर ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो डार्कन दिखा रहा है ठीक है, डार्कन यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो ये जो लास्ट लेनर है ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना ठीक है। तो ये आपका मर्जी है ठीक है, कौन सा रख सकते हो ये आपका मर्जी। तो उसके बाद बैक करना। उसके बाद यहाँ पे जो तीर का आइकन निशाना है यहाँ पे क्लिक करना। तो वीडियो देखो ये थोड़ा सा कर देना वीडियो, आपका वीडियो जितना सही है उतना बना कर लिख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना, तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे जो सेव्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना, तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा ठीक है।